आजकल आप सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कोरोना वायरस की थर्ड स्टेज, जिसे कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन या कम्युनिटी स्प्रेड कहा जाता है, उसके बारे में सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। लेकिन कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहते किसे हैं और ये देश के लिए कितना घातक साबित हो सकता है, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दरअसल कम्युनिटी ट्रांसमिशन या कम्युनिटी स्प्रेड के बारे में चर्चा तब होने लगी जब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने यह कह दिया कि दिल्ली में आने वाले 50% कोरोना मरीजों का सोर्स ही पता नहीं लग पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोरोना मरीजों को कोरोना आखिरकार हुआ कैसे, इसके बारे में पता नहीं चला है। तो क्या यही कम्युनिटी स्प्रेड है? कम्युनिटी स्प्रेड या कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता क्या है, उससे पहले आपको ये तो पता ही होगा कि कोरोना वायरस आखिर फैलता कैसे है। दरअसल ये स्वस्थ व्यक्ति के संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है और कोरोना की कम्युनिटी ट्रांसमिशन दरअसल कोरोना वायरस के फैलने की थर्ड स्टेज होती है। ये स्टेज तब आती है जब किसी बड़े इलाके के लोग वायरस से संक्रमित हो जाते हैं, वहाँ कोरोना से बीमार लोगों की संख्या खतरनाक स्तर पर पहुंच जाती है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन में ऐसा व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है जो ना तो कोरोना वायरस से प्रभावित देश से लौटा हो और ना ही वह किसी दूसरे कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में ही आया हो। कई देशों के अध्ययन में पाया गया है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बाद लोगों के बीच इसे फैलने से रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस स्टेज पर यह पता नहीं चलता है कि कोई व्यक्ति कहां से संक्रमित हो रहा है। केंद्र सरकार के मुताबिक मार्च तक देश कोरोना वायरस की सेकेंड स्टेज पर था, लेकिन ये कोरोना वायरस की स्टेज कौन सी होती है वो जानना भी बेहद जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस की 4 स्टेजेस बनाई है, स्टेज 1, 2, 3 और 4। WHO के मुताबिक स्टेज 1 जब वायरस संक्रमित देश से असंक्रमित देश पहुंच जाता है, जैसे चीन के वुहान से कोरोना वायरस बाकी देशों में फैला। यही वजह है कि कई देशों ने चीन और बाकी देश से यात्राओं पर रोक लगा दी थी। स्टेज 2 में वायरस असंक्रमित देश में लोकल स्तर पर पहुंचने लग जाता है। इस स्टेज में ये पता लगाना आसान होता है कि वायरस फैल कैसे रहा है और ये किससे फैला है, तभी कोरोना के मरीजों के आसपास के लोगों पर भी निगरानी रखी जाती है। केंद्र सरकार के मुताबिक देश इस वक्त स्टेज 2 पर है। स्टेज 3 कम्युनिटी ट्रांसमिशन, जिसके बारे में इस वक्त चर्चा हो रही है, जब कोरोना कहां से फैला इसका पता नहीं लगाया जा सकता, ये पता नहीं चलता कि कोरोना फैला कैसे। इसमें कोरोना पेशेंट की ना कोई ट्रैवल हिस्ट्री होती है और ना ही कोरोना का मरीज किसी संक्रमित के संपर्क में आया होता है। इसी को रोकने के लिए लॉकडाउन का सहारा लिया जाता है, लेकिन अब देश धीरे धीरे लॉकडाउन को खोल रहा है और हम अनलॉक 1.0 की तरफ बढ़ रहे हैं। WHO के मुताबिक दुनिया इसी ओर आगे बढ़ रही है। स्टेज 4, इस स्टेज को एंडेमिक कहा जाता है, जब वायरस एक देश में एक साल या उससे ज्यादा रहता है। भारत में मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां साल भर रही हैं, क्योंकि हर देश में जो महामारी फैलती है वो कमोबेश एक ही तरह से फैलती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई देश की राजधानी दिल्ली इस महामारी की थर्ड स्टेज पर पहुंच गई है? आपको बता दें कि इसको लेकर दिल्ली सरकार के कुछ और दावे हैं और केंद्र सरकार के कुछ और। लेकिन अब सवाल यह है कि राजधानी दिल्ली महामारी की थर्ड स्टेज के लिए तैयार है? जिस तरह से लॉकडाउन खुल रहा है, अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है, दिल्ली में अस्पतालों में बेड्स की भारी कमी है, लोग सड़कों पर दर बदर ठोकर खा रहे हैं। ऐसे में अगर वाकई जून और जुलाई में दिल्ली सरकार के मुताबिक कोरोना वायरस की संख्या में उछाल आता है तो ये दिल्ली नहीं देश के लिए बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। ऐसे में जरूरी है WHO और केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना। अगर बहुत जरूरी नहीं है तब अपने घर से बाहर ना निकले, बार बार अपने हाथ धोएं और कोरोना से जितना हो सके उतना दूर रहें। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।